ये चंद गलतियां जिसकी वजह से लोग आपसे दूर जा रहे हैं, ये चंद गलतियां जो कि आपको आपके पसंदीदा बंदे से बात करने में रोक रहे हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं मैं क्या करूँ कि ये शख्स मुझसे इम्प्रेस हो जाए, तो आज मैं आप लोगों के साथ वो चंद चीज़ें शेयर करने आई हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी बदलेंगी और इंशाल्लाह ताला आपके रिलेशनशिप्स में बहुत काम आएगी और जिससे आप अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं या बनाने चाहते हैं उसके साथ आपके रिलेशनशिप और करीब आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर। कभी आपने देखा है आप किसी के साथ इतना प्यार से पेश आ रहे हो, किसी से इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हो, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो आपसे दूर जाना शुरू हो जाता है, आपको सही से जेस्चर नहीं देता या फिर आपसे खफा हो जाता है। तो अगर हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, बिकॉज आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इस चीज़ को कैसे दूर करें और वो चंद गलतियाँ जो कि दूसरे के माइंड में आपका इमेज खराब कर रही हैं उसको कैसे ख़त्म करें। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इसके लिए मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव और इफ़ेक्टिव चीज़ें बताने जा रही हूँ। एक कॉमन चीज़ जो कि मैंने बहुत से लोगों के अंदर देखी है नहीं होती, वो है कॉन्फिडेंस। जब हम किसी से बात कर रहे हों या किसी से बात करना चाहते हैं तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम सिंपली जाके बात तो कर लेते हैं, चलो अस्सलाम वालेकुम और ये सब कुछ तो हम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए ना वो हमारे अंदर नहीं होता। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस बहुत है और जो कॉन्फिडेंस ही होता है ना वही एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो जो आपका कॉन्फिडेंस है ना ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप जिधर भी जाएँ, आप किसी भी सिचुएशन में हो ना, कॉन्फिडेंस का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हम कॉन्फिडेंस के अंदर वो चीज़ें भी कर लेते हैं जो कि शायद हम नहीं कर सकते, बिकॉज हम कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं, हमें खुद पे भरोसा होता है और कॉन्फिडेंस बहुत सी चीज़ें करवा देता है। तो आप अपने ऊपर यकीन रखें, कॉन्फिडेंस के साथ जो है आगे जाएं और जिससे भी बात करनी हो करें, ठीक है। वरना आप खुद ही सोचें, अगर कोई आपसे बात करने आ रहा है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो तो वो किस तरह की बात करेगा, किस तरह से बात करेगा, अस्सलाम वालेकुम बीच में बहुत आएगा। हमारे जहन में भी उसकी कोई इमेज बहुत अच्छी नहीं जाती जो इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो पहला फैक्टर तो यही आता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। सेकेंडली आता है बॉडी लैंग्वेज। आपने कभी नोट किया है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी से बात कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी अजीब होती है, अजीब इस हवाले से, यानी कि अगर वो किसी पे इम्प्रेशन भी क्रिएट करना चाह रहे हो बट नहीं होता, इसलिए आपने कभी देखा हो वो बहुत सहमे क्लोज बॉडी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है बहुत क्लोज्ड होती है, बहुत जुड़ के खड़े होना और जिस तरह भी हम बात करते हैं तो वो हमारा बॉडी लैंग्वेज भी बहुत असर करता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग थोड़ी ओपन बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप लोगों को मेरे अंदर ही नज़र आ रहा है कि मैं एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज में आप लोगों से बात कर रही हूँ या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। नो, आपको मेरी ये चीज़ कभी नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये कि हर किसी के अंदर आनी चाहिए ताकि वो बड़ी से बड़ी चीज़ जो है उसको अचीव कर सके। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और आपकी जो बॉडी हो वो आपके अल्फाजों के साथ जो है मैच करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये चीज़ बहुत आसानी से नहीं होती, बहुत जल्दी नहीं होती, बट इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत कमाल का रंग लाएगी। तो आप जो है अपने बॉडी लैंग्वेज को लाजमी इस्तेमाल कीजिए, एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए और प्रॉपरली बात कीजिए, जैसे कि आप किसी भी हवाले से एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। तो सिंपली जो एक प्रोफेशनल वे होता है बॉडी लैंग्वेज का वो तो हम जैसे हाथों ऐसे हिलाते ही हैं और एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखते हैं, लेकिन हमारे हाथ ऐसे होते हैं, ठीक है, हम यानी जब भी कहीं बात कर रहे हों तो प्रोफेशनल्स का जेस्चर ये होता है ऐसे हाथ रखना और ऑब्वियसली कमर सीधी, चिन ऊपर, ऐसे प्रॉपरली हमारे ये पॉस्चर होता है, ठीक है। तो ऐसे करके फिर जब हमें हाथ हिलाने होते हैं तो हम ऐसे ऐसे करते हैं और देन फिर वापस हाथ हमारे ऐसे। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह ताला, बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत इंप्रेशन क्रिएट करती है। आप खुद सोचें, हमारे सामने अगर ऐसा कुछ आ जाए सहमा सहमा सा हो तो हमें पता चल जाता है कि ओके शायद ये नर्वस है या ये सहमा सहमा है, ये डर रहा है थोड़ा, तो हमें खुद समझ आ जाती है। तो अपने बॉडी लैंग्वेज को ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमन देखी है मार्शल के अंदर जो बहुत से लोग नहीं करते वो है आई कॉन्टैक्ट।
जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं हम आई कॉन्टैक्ट नहीं रखते, बल्कि मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा होता है, यानी कि कोई फॉर एग्जांपल मेरी मम्मा से बात कर रहा है तो देख मुझे रहा है, तो ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया। मतलब बात मेरी मम्मा से कर रहा है देख मुझे रहा है, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। यानी कि ये गलत इंप्रेशन भी क्रिएट करता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर ना हम फॉर एग्जांपल आंखों में आंखें डाल के नहीं बात करते तो ऐसा भी लगता है कि शायद ये झूठ बोल रहा है, या ये नर्वस है, हिचकिचा रहा है, इसे बहुत गलत इंप्रेशंस भी जा सकते हैं। तो आप लोग कॉन्फिडेंटली आई कॉन्टैक्ट मिला के बात कीजिए, ये कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है, तो काइंडली इसके ऊपर फॉलो कीजिए। आप खुद सोचें कि जब हम किसी का झूठ पकड़ते हैं, एक तो ऑब्वियसली उसका एटीट्यूड हम नोट करते हैं, ऊपर से बहुत से दफ़े ऐसे होता है वो आँखें चुरा रहा होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे इम्पैक्ट जाता है, ऐसे दूसरे को लगता है कि शायद ये हमसे झूठ बोल रहे हैं या फिर ये बहुत नर्वस है, जो कि एक बहुत ही गलत कह लें इम्प्रेशन है, जो कि नहीं जाना चाहिए। ये हमारी कह लें गलतियाँ हैं, ये कुछ गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम अपने रिलेशनशिप्स ख़राब कर बैठते हैं, तो इसका कोई भी गलत साइन नहीं जाना चाहिए। तो आप अपनी आई कॉन्टैक्ट मिला के बात कीजिए। कभी कभार मैं मानती हूँ नर्वस भी, मैं मानती हूँ कि कभी कभार अजीब भी हो जाता है कि बंदा अब सारी कन्वर्सेशन आंखें मिला के बात करता है, तो आप उतनी आंखें मिलाएं जितना ज़रूरी हो, ठीक है। और बाकी ये ज़रूर नहीं लगना चाहिए कि आप झूठ वूठ बोल रहे हैं, तो आई कॉन्टैक्ट करके फिर थोड़ा सा इधर उधर भी आप देख सकते हैं, बट जब आप बात कर रहे हो तो आपने आंखों में आंखें मिला के बात करनी है, आई कॉन्टैक्ट मिला के बात करनी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड। तो क्या करना है आप लोगों ने, आपका एटीट्यूड बिल्कुल सही होना चाहिए। तो बहुत से लोगों के एटीट्यूड ही र्यूड होते हैं, और उसके पीछे जो मेन रीज़न होती है इमोशंस। अगर हम रहते ही गुस्से में हैं, रहते ही रूड हैं, गुस्से वाले रहते हैं, रूड रहते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं, या फिर ऐसे किसी भी हालत में हम रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो फेशियल एक्सप्रेशंस पे आता है, बिकॉज हम जब गुस्से होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आता है, और बॉडी जो है बिकॉज उसके अंदर हमारा बॉडी के अंदर मेन पार्ट हमारा फेस होता है, तो फेशियल एक्सप्रेशंस के अंदर भी वो आ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है खुश रहें और चिड़चिड़े मत हो, खुश रहें और अपना जो मूड है वो अच्छा रखें, ताकि जिससे भी आप बात करें उसके साथ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छी हों और आपका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा जाए। तो मैंने आपको ये चार पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत 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 ज़रूरी है किसी का भी दिल जीतने के लिए। मैं ये आपने नोट किया होगा कि मैं जो हूँ, मेरी जो आप वीडियोस देखते हैं उसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली ये सारी चीज़ें करती हुई नज़र आती होंगी। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको यानी एंड से शुरू करते हैं एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड जो होता है वो हमेशा आपको खुशबाश ही नज़र आता होगा, एटीट्यूड हो गया। देन मैं कैमरे के अंदर आँख से आँख मिला के बात करती हूँ, जस्ट लाइक मैं अपने ऑडियंस से ही बात कर रही हूँ, तो ये हो गया। और अगर कोई मुझे रियल लाइफ में भी देख ले तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली इसके ऊपर मैं फॉलो करती हूँ। देन बॉडी लैंग्वेज, आपने देखा होगा मैं अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हूँ। देन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि पोलाइट टॉपिक्स होते हैं, उसके ना मैं ज़्यादा ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, बिकॉज पोलाइट टॉपिक्स पे पोलाइट लहजा एंड पोलाइट चीज़ें ही अप्लाई होती हैं, तो कुछ के अंदर मैं इतना नहीं करती, बट नॉर्मली मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। और मैं किसी से बात कर रही हूँ तभी मेरी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और प्रॉपरली पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करनी है, ये गलत तरफ भी जा सकती है। अगर हम इसको गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दें तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी जा सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस, आपको मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जरूर नज़र आता होगा, और मैं क्यों मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नज़र आता है, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि 100% वर्क करती हैं, और जो कि बहुत कमाल टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि पीक परफॉर्मेंस गुरु से जो है अप्रूव्ड है, और जिसको और ऊपर से एक ये तो अप्रूव्ड है, ये तो मेरे पास कह लें एक बहुत प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन इससे भी बड़ा मेरे पास प्लस पॉइंट ये होता है कि मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ शेयर करती हूँ वो होती है अप्रूव्ड, और जिसको मैंने खुद इस्तेमाल किया हो और लोगों पे इस्तेमाल करवाया हो, तो जो इम्पैक्ट्स मुझे नज़र आते हैं मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस उठा लें उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस से नज़र आऊँगी, क्यों, बिकॉज मेरा जो टॉपिक होता है, मैं जो बात शेयर करती हूँ लोगों के साथ वो बिल्कुल सही होती हैं, अप्रूव्ड होती हैं, और जिसके ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता है। तो ये चार चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और किसी का भी दिल जीत लें। आप ये अपने बच्चों को आज से ही सिखाएं, ताकि बचपन से ही उनके इस दिमाग में यानी बचपन से ही उनकी अच्छी पेरेंटिंग हो, उनकी अच्छी तबीयत हो, वो किसी का भी दिल आसानी से जीत सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।